पीएम मोदी आज करेंगे केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र रावत से भी करेंगे बात। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे आज होंगे घोषित, बोर्ड की वेबसाइट cbserizults.nic.in पर देख सकेंगे रिजल्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर लगाई थी रोक। गुड्डन त्रिवेदी को मुंबई से कानपुर लेकर आई पुलिस, गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू को मुंबई एटीएस ने किया था गिरफ्तार, दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया गया। बिक्रूकांड के आरोपी शशिकांत का कबूलनामा, कहा विकास दुबे के दबाव में की थी फायरिंग, पहले से ही बना लिया था पुलिस वालों की हत्या का प्लान। कानपुर में 22 जून को अगवा संजीत नाम के युवक का अभी तक नहीं लगा सुराग, बहन का आरोप, फिरौती की रकम दिलाने के बाद भी किडनैपर्स को नहीं पकड़ पाई पुलिस, एसएसपी बोले जल्द होगी बरामद। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,00,000 के पार, भारत ने शुरू किया कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण, आईसीएमआर का दावा भारत टीका बनाने की दौड़ में आगे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, बदायूं में मुठभेड़, 60,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक दरोगा घायल, रामपुर में 25,000 के इनामी समेत 4 बदमाश थरे गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूलों को दिए दिशा निर्देश, कहा प्री प्राइमरी छात्रों के लिए 30 मिनट से ज्यादा लंबी ना हो क्लास। असम में बाढ़ से हालात गंभीर हुए, अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत, 22,00,000 लोग प्रभावित, गुवाहाटी समेत कई शहरों में पानी भरा, उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी।